हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एकदम फ्रेंड्स बेस्ड आपको क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ इंस्टेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला भी आपका जो है क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपका उसमें आपका क्लोज टेस्ट भी इसमें शामिल होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो में ये चीज़ पता चला है कि आपका क्वेश्चन कैसा आने वाला है, चूँकि सबको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है, 8 और 9 दिसंबर को पेपर है, ठीक है। तो ऐसे में आप कुछ क्वेश्चन देख लेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं ईडियम फ्रेज बेस्ड आपको क्वेश्चन लेके शेयर कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, लैंडिंग दिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर एन एक्सपीरियंस पायलट। यहाँ पे तो अंडरलाइन में कर दे, वहाँ पे आपको बोल्ड मिलेगा, ठीक। तो आपको उसमें से बताना है कि पीस ऑफ केक का जो परफेक्ट यहाँ पे ईडियम होगा वो क्या होगा। तो ये पीस ऑफ केक का मतलब होता है यहाँ पे इजी टू कम्प्लीट, ठीक, इजी टू कम्प्लीट। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आई प्रैक्टिस हार्ड एट द डांस सेशन बट द एसिड टेस्ट विल कम, द मास्टर विल असेस आवर सोलो परफॉर्मेंस। अब एसिड टेस्ट का यहाँ पे जो परफेक्ट इसका ईडियम होगा वो होगा इट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। तो चलिए, यहाँ पे तो ईडियम फ्रेज से रिलेटेड आपने दो क्वेश्चन देख लिया। अब आइए यहाँ पे देखेंगे बोल्ड, आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 3 से 4 5 आपका बोल्ड वर्ड मिलेगा, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पे आपको बोल्ड मिलेगा। तो उन सब वर्ड को आपको देखना है कि क्या वो चेंज होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा। इस चीज़ को आपको चेंज करना है, या तो हो सकता है वर्ड मिस्टेक हो या फिर आपका सेंटेंस में जो भी एरर होगा उसको फाइंड आउट करना होगा, और वहाँ पर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो चेंज करना होगा। अब देखिए, आसाज फादर प्लेस एंड पोटैटो एंड एग एंड सम टी लीव्स इन 3 सेपरेट वेसल्स विथ बॉइलिंग वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज होना चाहिए। अब पोटैटो के साथ एन तो लगेगा नहीं, ये गलत है, ठीक है, और एक के साथ तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे तो कहने का मतलब ये जो चीज़ है ना, ये पोटैटो यहाँ पे, अच्छा, एन पोटैटो यहाँ पे हो गया। एक चीज़ यहाँ पे करना होगा, ए यहाँ पे भी एन एग नहीं बल्कि ए है, ठीक है, ए है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे सुधार लीजिए, एन पोटैटो ए एग है। तो पोटैटो को आपको यहाँ करना होगा और एग को आपको यहाँ करना होगा, मीन्स की आसाज फादर्स प्लेस्ड एन एग और पोटैटो होगा, मीन्स की पोटैटो और एग आपका रिप्लेस होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, बुक्स कैन बी हेल्पफुल इन स्टिल फॉर पेरेंट्स हु आर ट्राइंग टू टूल इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड मोरल्स इन देयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगा, तो बुक्स कैन बी हेल्पफुल टूल होगा, यहाँ पे इस टूल को यहाँ पे रखना पड़ेगा और इन स्टिल को यहाँ पे करना होगा, ठीक है। हेल्पफुल टूल टू फॉर पेरेंट्स हु आर ट्राइंग टू इन स्टिल इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड मोरल्स इन देयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे भी बी वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ से ये चीज़ होगी। अब आइए यहाँ पे क्लोज टेस्ट बेसिकली आपका जो क्लर्कल एग्जाम में होता है वो होता है आपका स्टोरी बेस्ड होता है। अब यहाँ पे स्टोरी पढ़िएगा, तो यहाँ पे स्टोरी जो कि एक पास्ट टेंस में है, सब चूँकि स्टोरी होता है हमेशा पास्ट टेंस में होता है। अकबर वंस पुट अ क्वेश्चन टू हिज कोर्ट दैट लेफ्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट का यूज़ किया गया है, ठीक, ट्राइड का यूज़ किया गया, सिर्फ साफ पता चला कि टेंस पास्ट का है। और ऐसे भी आपको स्टोरी में बताऊँ कि वो पास्ट में ही होता है। अकबर वंस पुट अ क्वेश्चन टू हिज कोर्ट दैट लेफ्ट एवरी वन डैश एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर। अब यहाँ पे क्या होगा, परप्लेक्स होगा, पजल्ड होगा, बीविल्डर होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पास्ट की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जितने भी यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं इसमें से एक पास्ट ये वाला वर्ड दिखा, बाकी सबका मीनिंग तो आपका वही होगा, हैरानी कर देने वाला या कोई उलझा देने वाला। तो इसमें जो पास्ट टेंस वाला वर्ड होगा वो होगा पजल, तो आपका बी नंबर इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद का आगे पढ़ते हैं, बीविल्डर बाक्ड एंड आंसर व्हाट द मैटर के साथ फिर क्या होगा, आपका वाज का प्रयोग होगा, मीन्स कि ई नंबर ऑप्शन होगा, व्हाट द मैटर वाज, ओके। यहाँ पे व्हाट द मैटर वाज की बात हो रही है, बहुत सारे यहाँ पे वर नहीं होगा, प्लूरल तो है नहीं, ठीक है, पास्ट में होगा तो पास्ट में तो वाज भी होगा, वर भी होगा, लेकिन वाज होगा, ओके। एंड सो दे टोल्ड हिम द क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी क्रोज, एक स्टोरी था अकबर का, ठीक, जो अपने कोर्ट में अपने जो सभा में क्वेश्चन किया था, लेफ्ट एवरी वन पजल एज दे ऑल ट्राई टू फिगर आउट द आंसर, ठीक, उसका जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक अकबर ने एक क्वेश्चन पूछा गया और वो उसका जवाब सबसे मांगा। तो बीरबल वहाँ पे आया और पूछा कि भाई बात क्या है, सभी अपने में उलझे हुए थे कि भाई जो अकबर ने क्वेश्चन वो पूछा है उसका आंसर क्या होगा। तो फिर क्या होता है, वो फिर बताता है, वो वहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई क्वेश्चन जो दिए हैं अकबर ने दिया है वो है कि हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन द सिटी। तो बीरबल को ये बात पता चलता है भाई कि क्वेश्चन ये है, तो बीरबल तुरंत इमीडिएटली वो स्माइल करता है, ठीक है, बीरबल इसमें इमीडिएटली स्माइल, उसे तुरंत हंसी आती है और अकबर के पास जाता है, वेंट अप टू
वेंट अप टू अकबर एंड एंड के बाद देखते हैं क्या इसमें फिल होगा, एंड अनाउंस्ड। चूँकि देखिए फिर से यहाँ पे आपको वी टू चाहिए था, पास्ट टेंस वाला वर्ड चाहिए, तो आंसर होगा नहीं, डैजल होगा नहीं, शाउटिंग होगा नहीं और प्रोड्यूस होगा नहीं। तो यहाँ पे वेंट अप टू अकबर एंड अनाउंस्ड दैट द आंसर, आंसर का जो अनाउंस होता है प्रोड्यूस नहीं होता, आंसर अनाउंस होता है, टू हिज क्वेश्चन वाज 21,523। ठीक है, वेन आस्क हाउ ही न्यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको पास्ट में चाहिए था वर्ड, हाउ ही न्यू द आंसर, वो इस आंसर को कैसे जानता था। वेन आस्क हाउ ही न्यू द आंसर, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल तब बताया, आस्क योर मैन द कोर्ट, मैंने आपके जो भी सभा में लोग बैठे थे, द कोर्ट क्लोज रिलेटिव, तब आस्क योर मैन द कोर्ट, तो जो सॉरी यहाँ पे कोर्ट में जितने भी दरबार में बैठे हुए लोग थे उन सबको बताया कि द क्लोज रिलेटिव फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विजिटिंग देम। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस लगता है छूट गया यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कह रहा था द क्लोज रिलेटिव्स फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पे कुछ सेंटेंस मिस है, मैं छूट गया, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब अगर ज़्यादा हो जाते हैं, आस्क योर मैन द कोर्ट द क्लोज रिलेटिव फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विजिटिंग देम, अगर यहाँ पे क्लोज मोर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि रिलेटिव फ्रॉम आउटसाइड द सिटी विजिटिंग देम, कहने का मतलब अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है जितना उसने बताया कि यहाँ पे 21,523 से अगर ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि जो क्रो के कौवा के जो कौवा के जितने भी रिलेटिव थे बाहर रहने वाले, तो उनके सिटी में आकर विजिट किए हैं, तो इसकी वजह से उसकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन इफ़ देयर आर फीवर, अगर कम पड़ जाए तो समझिएगा कि क्रोस आर विजिटिंग देयर रिलेटिव आउटसाइड द सिटी, तो अपने रिलेटिव के घर बाहर गए हैं, ठीक है, मीन्स कि बाहर से कोई आया है तो मीन्स कि उनकी संख्या बढ़ गई है, और यहाँ से अगर गए हैं तो इसका मतलब संख्या घट गया है। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे एक चीज़ सेंटेंस छूट गया था, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि डैश विद द आंसर, चलिए फिर क्या, डैश विद द आंसर अकबर प्रेजेंटेड बीरबल विथ अ रूबी एंड अ पर्ल चेन। ठीक, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, एंग्री, अब भाई आंसर उसको मिले तो एंग्री थोड़ी ना होगा, फ्रस्ट्रेटेड थोड़ी ना होगा, हर्ट थोड़ी ना होगा, सैड थोड़ी ना होगा, प्लीज्ड, खुश होकर, चूँकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेड की बात की, अगर आपको कोई उपहार देता है तो खुश होकर ही देता है ना, तो यहाँ पे फाइनली जो पांचवा में आंसर होगा वो होगा डी। तो गाइज इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, क्लोस्टर्स को ईजी वे में भरते हैं, थोड़ा सा क्लोस्टर्स को समझना भी होगा, थोड़ा ट्रिक इसलिए थे कि पास्ट टेंस की बात की तो पास्ट टेंस में आप देखकर भरेंगे, पॉजिटिव की बात हो रही तो पॉजिटिव रिप्लाई वहाँ पे होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ही फिल होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव टेंस बेस्ड और आर्टिकल बेस्ड इस सबसे ही फॉर्म मतलब कि क्लोज टेंस में फिल होता है, ठीक है, अदर्स कहीं से कुछ नहीं होता है, आपका जितना भी होता है सब कहीं ना कहीं ग्रामर बेस्ड ही एक तरह से होते हैं। अब थोड़े से आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की तो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, हेल्पफुल हो सकता है, बट अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ग्रामर के रूल्स के हिसाब से फॉर्म को सॉरी क्लोज टेस्ट को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पांच क्वेश्चन इसके थे बहुत इजी वे में मैंने सॉल्व कर दिया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि पहला का जो आंसर था वो पजल था, दूसरा का आंसर था वाज, तीसरा का जो आपका आंसर था वो था अनाउंस्ड, और फोर्थ का जो आंसर था न्यू, एंड लास्ट वन का जो आंसर था वो था प्लीज। ठीक है, यहाँ से आपने पाँचों क्वेश्चन को आपने कर लिया, और यहाँ पर आपके साथ जो शेयर किया था मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रिडम फ्रेज बेस्ड, जिसका मैं फिर से एक बार जिक्र कर देता हूँ कि पीस ऑफ केक का मतलब होता है यहाँ पे इजी टू कंप्लीट, एसी टेस्ट का मतलब इट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, ओके, एंड यहाँ पे अब आइए बोल्ड वाला जो वर्ड होता है जो सेंटेंस में दिया रहता है कि गिवन बोल्ड में बताइए कि उसका अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे पोटैटोज और जो ये होगा इंटरचेंज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एन को काट के यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ठीक, और सेकंड वाले में जो होगा वो होगा इन स्टील, इन स्टील यहाँ से यहाँ जाएगा और टूल यहाँ से यहाँ पे आएगा, बस ये रिप्लेस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी वे में क्वेश्चन को कर सकते हैं, और क्लोज टेस्ट का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक, और यहाँ पे तो देख रहे हैं कि इजी वे में आप कर सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए प्रैक्टिस के तौर पर। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताया गया, आपको आपका कल पेपर है, अब ऐसा नहीं कि आज एक दिन में कोई सीख जाता है, एक चीज़ बताने के लिए यार कि देख लो यार क्वेश्चन कैसे होते हैं, प्रैक्टिस ऐसे हो सकते हैं, प्रैक्टिस ऐसे किए जा सकते हैं, तो आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छा गाइस अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे इसका आपको PDF अवेलेबल होगा, और कल जिनका भी पेपर है 8 और 9 को उन सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आओ, बेस्ट करके आओ, निगेटिव नहीं करना यार, निगेटिव करोगे आपका मार्क्स कट जाएंगे,
मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि टिप्स एंड ट्रिक्स में कि नेगेटिव मत करना, पेशेंस रखना, ठीक है, स्किप अगर जो क्वेश्चन करने लगा उसको स्किप करना और टाइम को मैनेज करना, बस इतना ही करना है और बाकी कुछ नहीं। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए तो कोई दिक्कत है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है अगर वो कम समय उनको मिला था या फिर कम समय में तैयारी करके सोच रहे कि अगर रिजल्ट करें तो शायद मुश्किल हो सकता है उनके लिए। तो गाइज़ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।